माय नेम इज एडवोकेट हनमत लोधी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, कई बार जो है क्लाइंट मुझसे पूछते हैं, व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि सर कोर्ट मैरिज में खर्चा कितना आता है, क्योंकि कोई ना कोई कपल्स जो हैं वो फाइनेंशियली जो है कई बार उनके सामने समस्याएं रहती हैं, इसलिए वो पहले ही क्लियर करना चाहते हैं कि यदि हम कोर्ट मैरिज करते हैं तो कोर्ट मैरिज में हमें पूरा खर्च कितना आएगा, ताकि वो पहले से जो है उतने पैसों की व्यवस्था कर लें। क्योंकि कोर्ट मैरिज में जो है कई जगह जो है अलग अलग फीस बताते हैं कि आप जब डिफरेंट जगह पे क्वेरीज करेंगे तो कोई वकील साहब कितना बोलेंगे, कोई कितना, तो अलग अलग फीस बताते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक क्लियर जो है व्यूअर्स के सामने जो है एक क्लियर व्यू नहीं जाता है कि आखिरकार एक्चुअल में कोर्ट फीस जो है कोर्ट मैरिज में कितनी फीस लगती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस सर्विस पे डिपेंड करता है। यदि आप जो है कोर्ट मैरिज दिल्ली में करते हैं तो मेनली जो देखा गया है 25 से 30 हज़ार रुपये खर्च जो है कोर्ट मैरिज में आता है। अगर कोई एडवोकेट्स या कोई और व्यक्ति अगर आपको बोल रहा है कि मैं 5 हज़ार में करवा दूंगा, मैं 10 हज़ार में करवा दूंगा, तो आपको बोल तो वो देते हैं, लेकिन जब आप उनकी चैम्बर में जाते हैं, आप जब उनकी ऑफिस में जाते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ हिडन चार्जेस बता दिए जाते हैं और वो फिर 25 से 30 हज़ार तक पहुँच जाते हैं। इसलिए आप ये मान के चलिए कि मिनिमम आपको कोर्ट मैरिज में जो है 20 से 25 हज़ार रुपए जो है खर्च होना ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होती है और इसमें खर्च आता है। और अगर आप सस्ते के चक्कर में जाते हैं कि नहीं मेरा यहाँ 10 हज़ार में हो रहा 5 हज़ार, तो कहीं ना कहीं फिर आप फंस जाते हैं। और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट तभी दिया जाता है जब आप उनकी पूरी फीस दे देते हो। हिडन चार्जेस रहते हैं जो कि आपको बताए नहीं जाते हैं, वो आपको बाद में बताए जाते हैं। पहले आपका सारा काम वो कर देंगे, सर्टिफिकेट पहले उनकी ऑफिस में आएगा, ऑफिस में जैसे सर्टिफिकेट, फिर आपको तभी देंगे वो सर्टिफिकेट जब उनको जितना पैसा वो मांग रहे जब आप दे देंगे, क्योंकि आप कई बार ऐसे फंस जाते हैं, अब आप कुछ कर भी नहीं सकते, ना ही कुछ बोल सकते हो, क्योंकि सर्टिफिकेट उनके पास है। 10-15 हज़ार रुपये ऑलरेडी आप दे चुके हो, अब बोल रहा है कि 5 हज़ार और लगेगा, 10 हज़ार और लगेगा, तो आपको देना ही पड़ता है। इसलिए आप जो है सस्ते के चक्कर में ना पड़े, और जिस भी एडवोकेट्स के माध्यम से आप कोर्ट मैरिज करवा रहे हैं, जो भी आप सर्विस ले रहे हैं, तो क्लियरली आप बात कर लें कि ये इतनी ही फिक्स फीस जो आप बता रहे हैं इतनी ही लगेगी, और कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। बाद में आप सर्टिफिकेट ना दो और फिर आप पूरा काम करवाने के बाद जो है एक्स्ट्रा फीस मांगे, तो आप पहले से क्लियर कर लें, जिससे भी आप जो है कोर्ट मैरिज करवाते हैं कि फीस कितने में आपने उसको नेगोशिएट किया है, कितने में आपकी बात फाइनल हुई है। अगर कोर्ट मैरिज से संबंधित कोई भी जानकारी आप हमसे चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कोर्ट मैरिज के बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी। थैंक यू एवरीबडी वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।